साक्ष्य के चलते साजिद नाडियाडवाला ने किक टू के लिए दिया सलमान को धोखा। ईद पर डेविल सलमान के कमिटमेंट को तोड़ने के लिए खिलाड़ी ने क्या पासा फेंका? सुनो सुनो सुनो, मिस ढिन चेक लेकर आई है खिलाड़ी अक्षय और दबंग सलमान के बीच ईद को लेकर चल रही वॉर की एक्सक्लूसिव कहानी। As you know, इंशाल्लाह को ठुकराने के बाद सलमान अपनी ईद वाले कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बेकरार हुए जा रहे हैं। आए दिन वो किसी न किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। मुश्किल ये है कि इंशाल्लाह के डब्बा बंद होते ही अक्षय ने अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ईद पर ऐलान कर दिया है और इसके तुरंत बाद ही सलमान ने ईद पर आने और समझ में ना आने वाला क्रिप्टिक ट्वीट कर दिया था। लेकिन 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 पहले इंशाल्लाह से जले फिर अक्षय से धोखा खाए सलमान का ये कमिटमेंट अब उन्हीं के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि भाईजान को ईद के लिए अपने लिए कोई परफेक्ट प्लान ही नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट सलमान ने सोचा था कि साजिद नाडियाडवाला, जिनके पास किक टू का पूरा मसाला तैयार है, वो ईद पर आने को रेडी हो जाएंगे और अपनी सुपरहिट फिल्म के फ्रेंचाइजी के साथ दबंग खान अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब से टकराएंगे। लेकिन बेस्ट फ्रेंड साजिद ने सलमान के इन अरमानों पर पानी फेर दिया और ईद 2020 तक किक टू के रेडी ना होने का रीजन पकड़ा दिया। I was called and asked about the update on Kick 2, but I feel I have about 8-9 films on hand currently, for which I have a draft, but for writing this draft into a screenplay, I will need to change the dialogues, which would take about 3-6 months. Therefore, I am not ready with Kick 2 yet. साजिद के इस एक्सप्लेनेशन के बाद किक टू के ईद पर आने की उम्मीदें टूट गईं और सलमान के प्लान की हवा निकल गई। हाँ, लेकिन 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 अब मिस जिन चेक के सोर्सेज के मुताबिक साजिद नाडियाडवाला के किक टू से इनकार करने के पीछे खिलाड़ी अक्षय का हाथ है और इसे जानने के बाद सलमान अपनी दोस्त की इस दगा से बेहद नाराज है। एक्चुअली सलमान और साजिद एक दूसरे के जिगरी यार रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ कई सारी सुपरहिट फिल्में की हैं। हाँ, लेकिन किंतु परंतु सलमान और साजिद की यारी के बीच अक्षय और साजिद का क्रॉस कनेक्शन भी है। साजिद नाडियाडवाला ने हाल ही में अक्षय के साथ बच्चन पांडे का ऐलान भी किया है। ऐसे में जब सलमान ने किक टू को ईद पर आने का प्लान बनाया तो एक दोस्त यानी सलमान की खातिर दूसरे दोस्त यानी अक्षय से टकराने का ख्याल साजिद को कंफ्यूज कर गया। वहीं किक टू के लिए सलमान जाने कब से साजिद को लटका रहे थे, जबकि अक्षय के साथ नाडियाडवाला की बैक टू बैक तीन फिल्में लाइन से खड़ी है। ऐसे में नाडियाडवाला ने अक्षय से दुश्मनी और सलमान से दोस्ती निभाने का ख्याल छोड़ दिया और ईद पर सलमान के किक टू वाला कनेक्शन तोड़ दिया। साजिद डजंट वांट टू ऑफेंड अक्षय बाय रिक्लेमिंग द ईद स्लॉट फॉर सलमान विद किक टू। साजिद हैज थ्री फिल्म्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन विद अक्षय। साजिद से धोखा खाए सलमान अब दबंग को पोस्टपोन करने के बारे में सोच रहे हैं। इंशाल्लाह में भंसाली को परेशान करने की सजा मिस्टर खान अब तक झेल रहे हैं।